कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के बाद देश में स्कूल और कॉलेज वापस खुल रहे हैं। इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात गोरखपुर, प्रयागराज और लखनऊ उत्तर प्रदेश के साथ पूरे महाराष्ट्र के कुछ स्टूडेंट से करा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 23 नवंबर से 50% अटेंडेंस के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोले जाने थे। आइए कुछ स्टूडेंट से जानते हैं कि वापस यूनिवर्सिटी पहुंचकर उनका क्या कहना है। फाइनली अब कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल गई हैं, तो पहले तो ये था कि ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, बहुत दिक्कतें होती थी। अब फेस टू फेस हम इंटरेक्ट कर पाएंगे टीचर्स के साथ और अब मतलब अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट होगी, अपने लेवल पे आ जाएगी। पहले बहुत दिक्कतें हो रही थी, कुछ समझ में भी नहीं आता था। ऑनलाइन क्लासेस जैसे ये था कि अगर हम ऑनलाइन कर रहे थे नेट की ऊपर तो इशू हो रहा था, तो पढ़ाई भी नहीं पा रही थी। अब सही है, मतलब फाइनली सैनिटाइजर वगैरह जो रहेंगे ये सब रहेगा कॉलेज में, सब कुछ मतलब सारी चीज़ें देख के चली जाएगी कॉलेज में, हर चीज़ में। तो मास्क वगैरह लगा के आना, एंटर करना है, सैनिटाइजर अवेलेबल रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग जो भी रहेगा पढ़ाई वगैरह करेंगे। वहीं पूरे महाराष्ट्र में कुछ ग्रामीण स्कूलों को भी खोला गया है। आइए वहाँ के स्टूडेंट से भी जानते हैं कि स्कूल पहुंचकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। डर लग रहा था लेकिन संभाल लिया मैंने अपने खुद को। क्या क्या दिमाग में था, क्योंकि इतने दिन के बाद आ रही हो लॉकडाउन में, घर पे क्या कर रही थी, पढ़ाई हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी घर पे पढ़ाई, सारा दिन टीवी और मोबाइल पे जा रहा था। ऑनलाइन क्लासेस से कुछ हो रहा था? कुछ भी नहीं, थोड़ा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आता था, कभी टीचर की आवाज़ नहीं आती थी, कभी दिखता नहीं था, रेंज प्रॉब्लम, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता था। हम जल्दी कॉलेज चालू होना चाहिए था। तो यहाँ आने के लिए घर वाले या फिर तुम खुद तैयार थी क्या आने के लिए, डर था क्या? नहीं, घर मैं अकेले ही आने के लिए तैयार थी, घर वाले तैयार नहीं थे। फिर कैसे मनाया? मैंने मिस को कॉल किया, मिस बोले कुछ नहीं, कॉलेज सैनिटाइजर से क्लीन किया है, सैनिटाइजर दे, मास्क है स्टूडेंट को तो भेजिए। यहाँ पर आने के बाद सेफ फील कर रही हो? हो, बहुत सेफ फील कर रही हूँ, इतना देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पीरियड में बहुत कुछ हो गया, कब कॉलेज जा रही है वो ऐसा लग रहा था, बराबर अच्छा लग रहा है, वो यहाँ आने से बाद स्टडी अच्छा हो जाएगी ऐसा लगता है, इसलिए आई कॉलेज में। ऑनलाइन पढ़ाई होती थी क्या? ऑनलाइन होती थी पर इतनी नहीं थी जितनी कॉलेज में आकर हो रही थी। क्या प्रॉब्लम आता था ऑनलाइन? समझ में नहीं आता, जितना वहाँ आके समझता है उतना ऑनलाइन लेक्चर में समझ नहीं रहा था, रेंज प्रॉब्लम ऐसा हो रहा था। तो यहाँ आने के बाद अभी सेफ फील कर रहे थे? बिल्कुल सेफ लग रहा है, यहाँ सब सैनिटाइजर मास्क लग रहा है, इसलिए सेफ लग रहा है। एक अलग लग रहा है इतने दिनों के बाद, क्योंकि पहले आती थी मास्क या फिर सब चीज़ें नहीं होती थी सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, अब अलग लग रहा है यहाँ ऐसे, पर फ्रेंड को मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, घर वाले तैयार थे छोड़ने के लिए? पहले नहीं थे, फिर हमने मनाए क्योंकि यहाँ आना जरूरी था, इसलिए 12वीं का साल। हाँ, 12वीं का साल है इसलिए करना तो पड़ेगा ना। बहुत अच्छा लगता है, इतने दिनों बाद कॉलेज में आए हैं, बहुत मिस कर लेते कॉलेज को। ऑनलाइन पढ़ाई चालू थी, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी क्या? हो रही थी, लेकिन जितना स्कूल में आकर अच्छा लगता है ना पढ़ने को, उतना समझ में नहीं आता ऑनलाइन पे। क्या प्रॉब्लम है? क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे पढ़ते? कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ कई समझ में नहीं आता, कुछ आता है तो बहुत थोड़ा आता है। घर वाले छोड़ने के लिए तैयार थे या दिल की मतलब तैयारी थी क्या इस पूरे माहौल में? घर वाले तैयार थे, घर वालों ने मुझे खुद आकर छोड़ा यहाँ तक।